बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7.3, हमने इसके अंदर डिस्पोजेबल सिरिंज की हेल्प से लिक्विड का डेंसिटी फाइंड करनी है। एक्सपेरिमेंट का नाम भी है ये, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग आर डिस्पोजेबल सिरिंज। डिस्पोजेबल सिरिंज की हेल्प से लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है हमने। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाएगा और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम मेथड अपनाएंगे या मेथड हम जो यूज़ करेंगे वो होगा डिस्पोजेबल सिरिंज की हेल्प से हम लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो बुक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो वो सब डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी इज डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहाँ सामने लिख दिया कि डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका भी यही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नोइंग द मास ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फार्मूला। अगर आप जो लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं सिरिंज के अंदर, उसकी डेंसिटी अगर आप, उसका वॉल्यूम पता हो तो आप उसकी डेंसिटी, उसका मास पता हो और उसका वॉल्यूम हमें पता हो तो हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, रो। इसका यूनिट अगर आप डिस्कस देखें तो इसका यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम में अगर आप देखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर किलोग्राम किलोग्राम की बात करें तो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दो यूनिट आपके पास होंगे, ये छोटा यूनिट है हमारे पास और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है। इसके अलावा हमें अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी, जो मटीरियल हमें चाहिए होगा। सबसे पहले एक डिस्पोजेबल सिरिंज, लिटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिसिन, लिक्विड फिजिकल बैलेंस और एक थर्मामीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने लेवल द फिजिकल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रू। यहाँ पे जो हम लेवलिंग स्क्रू करेंगे उसकी हेल्प से बिल्कुल सिरिंज को लेवल कर लेंगे। एडजस्ट द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन बोथ एंड्स ऑफ द बीम सच दैट पॉइंटर मूव्स इक्वल टू द डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ जीरो ऑफ द स्केल। क्लोज द नोजल ऑफ एम्प्टी सिरिंज विद द लिटल अमाउंट ऑफ प्लास्टिसिन। हम जो आपके सामने एक सिरिंज जो आपने लेनी है उसके आगे जो नीडल होगी उसको रिमूव कर देना है, और नीडल को रिमूव करके आप वहाँ पे हम कोई प्लास्टिसिन लगा देंगे ताकि लिक्विड वहाँ से बाहर ना जा सके। मेजर द मास m1 ऑफ एम्प्टी सिरिंज बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले हमने उस सिरिंज का बैलेंस मेजर कर लेना है, उसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड प्लेस करने से पहले उसका मास नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो सिरिंज यूज कर रहे हैं उसका मास सपोज 10 ग्राम हमारे पास मास है। यहाँ पे जो मास ऑफ सिरिंज जिसको m1 का नाम दिया गया है, वो हमने जो इस वक्त यूज कर रहे हैं हमारे पास होगी m1 is equal to 10 ग्राम। अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कोई और सिरिंज यूज करेंगे उसका मास आप सबसे पहले नोट करेंगे। उसका मास हो सकता है इससे ज्यादा हो या कम हो, जो भी आपके पास सिरिंज होगी आप उसका मास नोट कर लेंगे जिसको m1 के नाम से नोट किया जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है उस सिरिंज के अंदर, अब रिमूव द प्लास्टिसिन एंड फिल द सिरिंज विद गिवन लिक्विड। अब उस सिरिंज के अंदर उस प्लास्टिसिन को रिमूव करके उसके अंदर लिक्विड प्लेस कर देंगे, और लिक्विड किस कितना प्लेस करना है आपने, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीलीटर जो इसके अंदर मार्क्स बने होते हैं, इसके ऊपर स्केल दिया गया होता है, या तो वो सीसी में होता है या मिलीलीटर में होता है, आप उसके अंदर 5 मिलीलीटर तक लिक्विड प्लेस कर देंगे। क्लोज द नोजल अगेन विद द सेम पीस ऑफ प्लास्टिसिन। दोबारा से उस लिक्विड प्लेस करने के बाद उसके अंदर दोबारा प्लास्टिसिन की हेल्प से हम उसके आगे वाला जो पोर्शन है सिरिंज का क्लोज कर देंगे। अब हम मेजर द मास ऑफ m2 ऑफ द सिरिंज ऑफ कंटेनिंग लिक्विड। अब जब हमने मास उसके अंदर प्लेस कर दिया लिक्विड का सिरिंज के अंदर, अब दोबारा से उसका मास नोट करेंगे जिसको हम m2 से नोट करेंगे। m2 क्या है जी हमारे पास, m2 हमारे पास मास ऑफ सिरिंज विद लिक्विड, लिक्विड के साथ सिरिंज का जो मास है उसको m2 के नाम से डिनोट किया गया यहाँ पे। अब ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड का वॉल्यूम है, और मास ऑफ सिरिंज हमारे पास 15 ग्राम। जब हमने मास ऑफ सिरिंज में से m1 माइनस m2 किया यहाँ पे, तो m1 माइनस m2, तो इन दोनों का डिफरेंस जब फाइंड करेंगे, m1 हमारे पास क्या था मास ऑफ सिरिंज और m2 हमारे पास क्या होगा मास ऑफ लिक्विड। इन दोनों का डिफरेंस जब फाइंड किया तो हमारे पास ओरिजिनल मास ऑफ लिक्विड आ गया, तो हमारे पास जो होगा यहाँ पे 5 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट इसकी रूम टेम्परेचर, यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे किस रूम टेम्परेचर पे हम अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पे आप इस वक्त जो हम रूम टेम्परेचर लेंगे वो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा आप नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन का टेबल यहाँ पे आपके सामने बना दिया गया है, तो कुछ सपोज रीडिंग ली हुई हमने कि आपके पास सबसे पहले हमने नोट कर लिया मास ऑफ सिरिंज, वो
नोट करके साइड पे उसकी रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद हम आ जाएंगे कि जो लिक्विड हमने उसके अंदर प्लेस करना है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो मैंने लिक्विड उसके अंदर प्लेस किया उसका वॉल्यूम सपोज मेरे पास 2 था। उसके बाद अब मैस ऑफ सिरिंज विद लिक्विड, लिक्विड के अंदर प्लेस करने के बाद जो सिरिंज का मैस बना वो 15 ग्राम आया। 15 ग्राम के अंदर जब हमने जो सिरिंज का जो मैस था वो माइनस कर देंगे, 15 माइनस 10 हमने किया तो हमारे पास आ गया 5 ग्राम। इस तरह जब हमने दूसरा उसके अंदर वॉल्यूम दोबारा से प्लेस किया तो हमारे पास जो मैस आया सिरिंज का लिक्विड के साथ तो 17.5। अब 17.5 में से जो 10 ग्राम मैस है वो तो है बेसिकली सिरिंज का, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा मैस ऑफ लिक्विड का, रिमेनिंग जो लिक्विड था उसके अंदर मैस आ जाएगा। इस तरह थर्ड टाइम जो हमने वॉल्यूम लिक्विड इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज करके अब हमारे पास जो मैस आया लिक्विड का वो हमारे पास आया 20 ग्राम। इस 20 ग्राम में से जो 10 ग्राम मैस है वो सिरिंज का मैस है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग मैस होगा हमारे पास वो होगा 10 ग्राम जो कि मैस होगा ओरिजिनल लिक्विड का। अब आपके पास ये लिक्विड का मैस आ गया, इस लिक्विड के मैस को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 2 पुट करके देखा तो हमारे पास 2.5, इस तरह जब हमने 3 वॉल्यूम लिया तब हमारे पास डेंसिटी अगेन 2.5, जब 4 वॉल्यूम लिया था 4 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिया था तब भी हमारे पास डेंसिटी जो आई वो 2.5 आई। अब इस फॉर्मूले के अंदर अब सबसे पहले हम इसकी मीन डेंसिटी फाइंड करेंगे, जब हमने मीन या एवरेज डेंसिटी फाइंड की तो हमारे पास वो भी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आई। अब इस ग्राम को सेंटीमीटर उसके अंदर कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 क्रॉस 10 इज पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बेसिकली इसी फार्मूले की हेल्प से अपनी जो गिवन लिक्विड था सिरिंज की हेल्प से हमने उसकी डेंसिटी फाइंड की। नेक्स्ट इसके कंक्लूजन में भी हम यही लिखेंगे जो हमने डेंसिटी फाइंड की है हमारे पास वो हमारे पास आएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या अगर जो लिक्विड लिया है आप जो लिक्विड यूज़ करेंगे उसकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेंसिटी आएगी वो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी, तो जो अगर वाटर यूज़ कर रहे होंगे तो उस वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी। वो आप चेक कर सकते हैं उस सीरीज की हेल्प से, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा बाद में आपको करके भी दिखाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन द डेंसिटी ऑफ अ मेटल बॉल Having diameter less than the inner diameter of the syringe be determined? अगर आप कोई ऐसी बॉल ले लें उसका डायमीटर जो है वो आपकी जो सिरिंज हम यूज़ कर रहे हैं उसके डायमीटर से कम हो तो हम उसका किस तरह उसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिरिंज के अंदर कुछ थोड़ा सा वाटर या लिक्विड प्लेस कर लेंगे, अब उस बॉल को सिरिंज के अंदर डाल देंगे। आपने करना क्या है कि बॉल को सिरिंज के अंदर डालने से पहले लिक्विड प्लेस करने के बाद उसका वॉल्यूम नोट कर लेना। आपने 9th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा मेजरिंग सिलेंडर का, कि मेजरिंग सिलेंडर से हम किसी भी वॉल्यूम या सॉलिड ऑब्जेक्ट का या किसी भी पाउडर शेप का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम वही काम करेंगे उससे रिलेटेड बिल्कुल, कि आपने सबसे पहले सिरिंज ले लेनी है, सिरिंज के अंदर थोड़ा सा लिक्विड प्लेस कर देंगे और लिक्विड जो आपने प्लेस किया होगा जितना उसका वॉल्यूम नोट कर लेंगे। अब उसका वॉल्यूम नोट करने के बाद अब उस जो मेटल बॉब आपने ली होगी उसके अंदर सिरिंज के अंदर प्लेस कर देंगे। आपने देखा होगा वाटर लेवल या लिक्विड लेवल थोड़ा सा राइज हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब दोबारा से उसकी रीडिंग नोट करेंगे, रीडिंग नोट करने के बाद उनका जो वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आ रहा होगा वही हमारे पास बेसिकली उस मेटल बॉब की डेंसिटी होगी और फॉर्मूला यही वाला यूज होगा रो इज इक्वल टू एम ओवर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा वाटर आप ले लें, पोर सम कुकिंग ऑयल इन टू द ट्यूब, फिट अ कॉर्क टाइटली क्लोज द माउथ ऑफ अ ट्यूब, शेक द ट्यूब वेल एंड होल्ड इट फॉर अ वाइल वर्टिकली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, गिव अ रीजन। वो बेसिकली क्वेश्चन में कह रहा है कि आप टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा वाटर ले, वाटर प्लेस करें, वाटर डाल लें उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डाल लें, फिर उसके उसके ढक्कन को क्लोजली बंद कर लें, टाइटली कर लें, उसके बाद आप उसको अच्छी तरह शेक करें। शेक करने के बाद उसको थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे होगा कि आप देखेंगे कि ऑयल जो होगा वो वाटर के ऊपर आ जाएगा। इसकी क्या रीज़न है, रीज़न यही है कि वाटर जो ऑयल आपके पास उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो आपके पास वाटर ऑयल जो होगा वो वाटर के ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट एन एग इन वाटर, इट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, Add common salt gradually to water, stir it with a rod or a spoon, the egg will slowly rise to the surface of water, give reason।
वो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, आप किसी कंटेनर के अंदर वाटर ले लें और उसके अंदर अंडा डाल दें, तो क्या होगा कि अंडा जो होगा वो वाटर के अंदर जाके डूब जाएगा। अब आपने उस वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक डालें, NaCl डालें और उसको अच्छी तरह स्टिरर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से उसको हिलाएं अच्छी तरह, और जब उसके अंदर कॉमन साल्ट जो था वो NaCl जब उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तो अब जब अंडा प्लेस करेंगे तो अंडा क्या होगा उसके ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर जाएगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि सबसे पहले जब हमने वाटर के अंदर डाला था अंडा, तो उसकी वाटर की डेंसिटी कम थी और अंडे की डेंसिटी ज़्यादा थी, तो उसके अंदर अंडा जाके डूब गया। अब हमने इसके अंदर जब नमक डाला तो वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और अंडे की डेंसिटी कम होगी, तो इस वजह से अंडा क्या होगा पानी के ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर देगा। डेंसिटी की रीज़न है, बेसिकली डेंसिटी की वजह से ये इन दोनों का डिफरेंस आता है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7.3। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।